एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन का टॉपिक, यानी सॉफ्टवेयर के साइज को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने साइज का सॉफ्टवेयर डेवलप होगा और किस तरह से हमें उस साइज की कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन से। ये लेक्चर उन सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। सबसे पहला जो साइज एस्टिमेशन का टेक्निक होता है वो होता है लाइन यूजिंग लाइंस ऑफ कोड। अब नाम से जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लाइंस ऑफ कोड यानी जो हमने कोड लिखा है उसमें कितनी लाइंस या कितना सोर्स लाइंस प्रेजेंट है, सोर्स कोड में कितनी लाइंस प्रेजेंट है, उसे काउंट करके हम ये बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का कितना साइज होगा और जितनी लाइंस ऑफ कोड उतना बड़ा सॉफ्टवेयर। तो जनरली हम लाइंस ऑफ कोड में क्या क्या काउंट करते हैं, हर तरह की डिक्लेरेशन, यानी अगर कोई वेरिएबल्स हैं तो आप जब उन्हें डिक्लेयर कर रहे हैं वो वाली लाइंस काउंट होंगी, एक्चुअल कोड जिसमें लॉजिक और कंप्यूटेशन होती है, यानी अगर कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन है या कोई लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो वाला कोड भी एज अ लाइन ऑफ कोड में काउंट होगा। लेकिन कुछ ऐसी लाइंस भी होती है सोर्स कोड में जिसे हम LOC में या लाइन ऑफ कोड में काउंट नहीं करते, और वो लाइंस कौन कौन सी होती है, एक होती है ब्लैंक लाइन और एक होती है कमेंट लाइन। नाउ व्हाई इट इज नॉट काउंटेड इन लाइंस ऑफ कोड, वील सी द रीजन वेरी सून। बट सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर ब्लैंक लाइंस और कमेंट लाइंस लाइन ऑफ कोड में इंक्लूड नहीं होती सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन के टाइम पे, तो एक्चुअली उन्हें कोड में लिखना ही क्यों है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स को पता ही है कि इन्हें एस्टिमेशन, इन लाइंस को एस्टिमेशन के टाइम पे भी यूज नहीं किया जाएगा, सो व्हाई डू वी नीड टू राइट टू इंक्लूड ब्लैंक लाइंस और टू राइट कमेंट्स। सो ब्लैंक लाइंस आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। सो they are included to improve the readability. अब एक प्रोग्रामर एक पूरा प्रोग्राम विदाउट एंटरिंग या फिर विदाउट प्रेसिंग द एंटर की भी लिख सकता है, यानी हर अगर C++ का प्रोग्राम है तो C++ कहीं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डालती कि हर सेमीकोलन के बाद आपको एंटर करना ही है या एंटर प्रेस करना ही है नेक्स्ट कमांड या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। आप कॉन्टिन्यूसली एक लाइन में और कॉन्टिन्यूस लाइन्स में लिख सकते हैं अपना कोड, बट दैट इज नॉट वेरी रीडेबल। अगर आप प्रॉपरली इंडेंटेशन करके ब्लैंक लाइन्स जहाँ नेसेसरी हैं वहाँ इंक्लूड करके आप अपना कोड लिखते हैं तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। और कमेंट्स क्यों लिखते हैं, कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि फ्यूचर के रेफरेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग मेंटेनेंस टाइम ऑल्सो। सो कमेंट्स आर इंक्लूडेड टू हेल्प इन कोड अंडरस्टैंडिंग as well as during maintenance. You'll see in the upcoming lectures, comments are very useful in software re-engineering as well. So basically, comments एक programmer इसलिए लिखता है ताकि जो भी उसने functionality implement करी है या जो instructions या code लिखा है उससे वहाँ पे वो क्लियरली स्पेसिफाई कर दे कि क्या रीज़न है और वो क्या करना चाह रहा है इस लॉजिक के थ्रू। तो कोई भी जो इस प्रोग्राम को पढ़ेगा विद कमेंट्स, उसे अगर इन केस कोड का लॉजिक या रीज़न नहीं समझ आया
कि ये ऐसा क्यों किया गया है. सो उस केस में ही और शी कैन रीड द कमेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोड एक्चुअली वांट्स टू डू. एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल इन मेंटेनेंस, बिकॉज इन मेंटेनेंस टाइम वी मे have to change the code to include some new request or to delete some functionality. All right, so when we need to change things, we need to take care that we are not hampering other code that is not directly affected by maintenance. All right, so ab ek bar humne dono ki blank lines aur comment ki importance padh li, uske baad hame ye samajhna zaruri hai ki क्यों कमेंट्स एज अ लाइन ऑफ कोड नहीं काउंट किए जाते, या क्यों ब्लैंक लाइंस एज अ लाइन ऑफ कोड नहीं काउंट की जाती. दोनों के रीजन सेम ही होंगे. सो व्हाई कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइंस आर नॉट काउंटेड एज अ लाइन ऑफ कोड व्हाइल सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन? बिकॉज फर्स्ट रीजन इज दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी फंक्शनैलिटी दैट द कोड इज इम्प्लीमेंटिंग. They are only for indentation or beautification purposes, otherwise they are for understanding purposes. They are not contributing to any kind of functionality. And secondly, they can be misused by the programmers to give a hype about their productivity. I'll just explain this point in a while. Misused by the developers to give a you can say false notion about productivity. Now, since we are using line of code as a way of software size estimation, तो definitely कहीं ना कहीं हम ये समझ जाते हैं कि जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसे डेवलप करने में, और अगर ज़्यादा एफर्ट लगेगा तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली पीपल जिन्होंने कोड को डेवलप किया है या जिन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करने में, एंड दे आर रियली प्रोडक्टिव. सो दिस देयर कम्स एन इम्प्रेशन दैट अ वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर साइज लीड और हैज बीन अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. दैट मीन्स अ वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर साइज रिफ्लेक्ट समवेयर directly or indirectly reflects that the developers have been efficient and productive in their work. But a large software size may include multiple blank lines and useless comment lines which increase the size of the software, and when blank lines and comment lines are counted, they give a false impression about the productivity of the developers. All right, so यही रीजन है कि ब्लैंक लाइन और कमेंट लाइंस नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि अगर मल्टीपल ब्लैंक लाइंस और कमेंट लाइंस हैं सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ेगा, और सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ेगा तो डेवलपर ये एक इम्प्रेशन डेवलपर की तरफ से ये एक इम्प्रेशन जा सकता है मैनेजमेंट को कि उसने बहुत प्रोडक्टिव काम किया है, जबकि उसने यूजलेस कमेंट्स ऐड किए हो सकते हैं जो जहाँ नेसेसरी भी नहीं हो. सो दैट इज़ व्हाई कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइंस आर नॉट इंक्लूडेड एज अ लाइन ऑफ कोड एज अ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, बिकॉज दे नोवेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी ऑल्सो. नाउ इवन if they have so many disadvantages or there are so many reasons of not including these two types of lines as lines of code, so why are we actually using this LOC as a software size estimation technique? Hum kyun use kar rahe hain lines of code ko? To koi to advantage hogi iski. Actually, the biggest advantage of LOC for size estimation is very obvious one. It is very easy to count and calculate. From the developed code. इसका मतलब कि अगर आपने एक बार कोड डेवलप कर लिया उसके बाद
लाइंस ऑफ कोड को यूज करके एस्टिमेशन करना साइज का बहुत ही इजी है, क्योंकि कोड आपके सामने है, यू कैन डेफिनेटली काउंट द लाइंस ऑफ कोड एंड दैट विल गिव यू एन एस्टिमेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर साइज. बट एट द सेम टाइम लाइंस ऑफ कोड की बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाऊंगी एंड देन आई विल राइट इट डाउन. डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आता है कि एक तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम लॉजिक डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है. यानी एक C++ लैंग्वेज में जब मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ, सपोज मैंने 20 लाइंस में या 20 सोर्स कोड लाइंस में अपना पूरा प्रोग्राम विदाउट एनी कमेंट्स करेक्टली लिख दिया, अगर मैं यही प्रोग्राम पाइथन में लिखूंगी तो हो सकता है मेरा कोड 8-10 लाइंस में करेक्टली वर्क कर जाए और फिनिश हो जाए. सो लाइन ऑफ कोड एज अ मेजर ऑफ साइज एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट और वेरी गुड यू नो रीजन टू चूज लाइन्स ऑफ कोड एज अ सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन टेक्निक. तो जैसे कि अगर हम सेम लैंग्वेज की भी बात करें, अभी तो मैंने दो डिफरेंट लैंग्वेजेस का आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सेम लैंग्वेज में बात करूँ तो अगर मुझे एक फॉर लूप लिखना है जिसमें कि एक सिंगल स्टेटमेंट है, C++ में मैंने एक फॉर लूप लिखा जिसका एक सिंगल स्टेटमेंट है, सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट. लेकिन एक और प्रोग्रामर, अगर ये सपोज प्रोग्रामर वन ने लिखा है ऐसे, दूसरा प्रोग्रामर यही सेम चीज अगर उसे प्रॉपर इंडेंटेशन चाहिए या फिर उसे बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो सेम ये वाली चीज, ये वाला कोड इस तरीके से भी लिख सकता है, यानी इंक्लूडिंग द कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज अ फॉर लूप विद अ सिंगल स्टेटमेंट कैन और कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन कर्ली ब्रेसेस एज डिजायर्ड बाय द प्रोग्रामर. सो इस केस में कितनी लाइंस ऑफ कोड हो गई? 2. इस केस में कितनी लाइंस ऑफ कोड हो गई? 4. तो डेफिनेटली जो मैं पॉइंट आपको यहाँ समझा रही थी कि ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड का मतलब ये भी कई बार एक गलत इम्प्रेशन छोड़ता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है प्रोग्रामर या ज़्यादा काम किया है प्रोग्रामर ने, जबकि इन दोनों केसेस में हमने देखा कि इस केस में भी और इस केस में भी सेम फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट तरीके से लाइंस ऑफ कोड कैलकुलेट हुई हैं. ओके, अब सेकेंड या फिर थर्ड कॉज पे आते हैं या थर्ड डिसएडवांटेज पे आते हैं लाइंस ऑफ कोड की. थर्ड डिसएडवांटेज क्या होगी कि अगर सपोज मैंने एक डिक्लेरेशन करी और उसके साथ ही एक कमेंट लिखा, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल कोड एंड दिस इज अ कमेंट, तो क्योंकि ये कमेंट सेम लाइन में आ रहा है जिसमें कोड है, सो शुड आई count it as a comment line or should I count it as a code line because the code is also present. या फिर अगर ये केस है, इस केस में ये एक कमेंट लाइन है और नेक्स्ट वाली एक कोड लाइन है, तो इस केस में तो मुझे पता है कि इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करना है और एंड देर इज वन कोड लाइन, बट वॉट अबाउट दिस, देर इज एन एम्बिग्विटी. सो वॉट constitutes a line of code and how to calculate it, this dimension of size estimation varies from person to person and in fact from organization to organization. That is why LOC as a software size estimation technique is not preferred, क्योंकि हर एक इंसान के और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं LOC को काउंट करने के. ठीक है, सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. The disadvantage, the first disadvantage is LOC is language dependent as well as technology that is being used, that is also taken into consideration. Second point जो आता है हमारा, what constitutes an LOC. This question varies
from organization to organization. All right, तो ये दो major points हैं हमारे line of code की disadvantages में. ये topic हमारा इतना ही था lines of code का. आज के lecture के लिए बस इतना ही. Software size estimation के लिए हम और improved तरीके देखेंगे, जैसे function point, Kokomo models, upcoming lecture में. So please, easy engineering classes के lectures के साथ updated रहने के लिए subscribe करिए channel को. Keep watching the videos and please mention in the comments how did you like the videos and what other type of videos would you like to see. Thank you for watching. Thanks.